Okay, now our third point is economic causes. Economic causes are related to a chance of loss due to change in market condition. There can be price fluctuations in the market. There can be change in fashion, taste, preference and demands of customers. There can be change in the degree of competition. All these have a direct impact of the earning of the business. अब मैं अगर इसके बाद बताऊँ आपको तो economic causes में क्या होता है, मैं ये बताती हूँ. Economic causes में क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कल बताया था कि मैं किसका business कर रही हूँ, बर्फ़ी का कर रही हूँ, है ना. तो बर्फ़ी का बिज़नेस करती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बर्फ़ी का बिज़नेस कर रही थी और मेरा बिज़नेस क्या हो रहा था, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा उससे बेनिफिट मिल रहा था, प्रॉफिट आ रही थी, मुझे इनकम भी काफ़ी अच्छी हो रही थी. ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होगा कि अगर मान लो कि जैसे कि मैंने जो बिज़नेस करा था बर्फ़ी का, ठीक है, तो बर्फ़ी का बिज़नेस मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन मार्केट में और भी अलग अलग बिज़नेस आ गई, अलग अलग चीज़ें आ गई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कटली या फिर और भी चॉकलेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें. ठीक है, तो लोगों को क्या हुआ, लोगों का मेरे बर्फ़ी से ध्यान हटके कहीं और चला गया. ठीक है, उन्होंने मेरी बर्फ़ी का क्या किया, उन्होंने मेरी बर्फ़ी को इग्नोर किया. मतलब क्या हुआ कि उनकी डिमांड और उनका टेस्ट क्या हो गया, वो चेंज हो गया. उनको रसगुल्ला, उनको गुलाब जामुन या उनको बर्फ़ी, बर्फ़ी छोड़ के उनको बाकी चीज़ें क्या होने लग गई, अच्छी होने लग गई. मेरा डिमांड कम होने लग गया और बाकी जो चीज़ें हैं उनका डिमांड क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया. और मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में कंपटीशन शुरू हो गया. डिमांड बढ़ा तो कंपटीशन हो गया. मतलब पहले मैं बर्फ़ी का करती थी तो मतलब मान लो कि 5 साल 10 साल से, मतलब कभी कभी आप को या ध्यान होगा, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के यहाँ की ना कुछ कुछ चीज़ें फेमस होती है. वो फेमस क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से काफ़ी सालों से वही काम कर रहा होता है और अच्छे से कर रहा होता है, इसलिए वो फेमस होती है. किसी दुकान की, मतलब किसी हलवाई की दुकान की मिठाई बहुत फेमस होती है, या फिर किसी के शॉप की मतलब कपड़ा वगैरह कुछ ऐसा होता है, कोई शोरूम वगैरह में वो काफ़ी फेमस होता है,